हेलो फ्रेंड्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा है डेट इज़ दी थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के अंदर पहले मैंने आपको प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बताया था, फिर उसके बाद हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किया, क्योंकि दो तरह के पीरियड होते हैं, एक शॉर्ट पीरियड होता है, शॉर्ट पीरियड के अंदर एक फैक्टर वेरिएबल होता है, अदर फैक्टर जो होते हैं फिक्स्ड होते हैं। तो प्रोडक्शन को इन्हांस करना है तो हम वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते हैं, तो वहाँ पे जो रिटर्न जनरेट होती है डेट इज़ रिटर्न टू फैक्टर, जिसके अंदर हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को स्टडी किया। इसके तीन फेसेस होते हैं, इंक्रीजिंग टर्न टू फैक्टर, डिमिनिशिंग टर्न टू फैक्टर, कॉन्स्टेंट टर्न टू फैक्टर। उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोज डल चुकी हैं और वो टॉपिक जो है इतने सिग्निफिकेंट भी नहीं है, तो इस वजह से क्या है कि मैं उनको अपडेट नहीं कर रही। आप मेरी वो पुरानी वीडियोस देख सकते हो, अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जो है, अगर आपको लगता है कि वो वीडियोस मैं दोबारा से अपडेट कर दूँ तो मैं अपडेट कर दूँगी। तो यहाँ पे ये टॉपिक जो है डैट इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट, और ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के मुकाबले में काफ़ी सिंपल टॉपिक है, बट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है ज़्यादा इससे इंपॉर्टेंट है, और ये भी कम इम्पॉर्टेंट नहीं है, इजी है, अगर आ जाता है तो इसको अटैम्प्ट करना बहुत इजी है। और ये जो टॉपिक है देखो, बीबीए, बीकॉम, एमबीए, एमकॉम, सीए, सीएस फाउंडेशन के बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर भी है, और इसके जो रिटर्न नोट्स हैं वो भी आपको मेरे ब्लॉग पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रिटर्न टू स्केल है इसका अर्थ क्या होता है। देखो, शॉर्ट रन के अंदर कुछ फैक्टर फिक्स्ड होते हैं, एक फैक्टर वेरिएबल होता है, लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है कि सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, और अगर हमने आउटपुट को इंक्रीज़ करना है तो सारे वेरिएबल को हम सेम प्रोपोर्शन के अंदर इंक्रीज़ कर सकते हैं। कॉटेसन ने इसकी डेफिनेशन दी है, द टर्म रिटर्न टू स्केल रेफर टू द चेंज इन आउटपुट एज ऑल फैक्टर्स चेंज इन द सेम प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे हम सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सारे फैक्टर जो होते हैं वेरिएबल होते हैं, और कोई भी फैक्टर जो होता है वो जो है फिक्स नहीं होता। तो लॉन्ग रन के अंदर आउटपुट को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं सेम पोर्शन के अंदर या डिफरेंट पोर्शन के अंदर जो फैक्टर्स हैं उनको इंक्रीज़ करके। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल का मतलब होता है रिटर्न टू इंक्रीज इन आउटपुट एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन ऑल द फैक्टर्स इन द सेम प्रोपोर्शन। तो देखो, ये रिटर्न टू स्केल क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्केल पहले से इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे मान लो मेरी फैक्ट्री है, वो पर डे जो है 500 यूनिट जो है मैन्युफैक्चर करती है, तो मेरे पास मशीनरी जो है 500 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करती है पर डे। तो अब डिमांड बढ़ जाती है, तो लॉन्ग रन पीरियड के अंदर क्या है कि मैं एक नया बिल्डिंग परचेज़ कर लेती हूँ, नई मशीनरी उसके अंदर इंस्टॉल कर देती हूँ, तो नेचुरली यहाँ पे मेरा स्केल पहले से इंक्रीज़ हो गया है। इसी वजह से क्या होता है कि रिटर्न टू स्केल कहते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, तो जैसी डिमांड है उसके मुताबिक उसको हम चेंज कर सकते हैं। और उसी तरह देखो, जो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है, इंक्रीज इन द आउटपुट एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन ऑल द फैक्टर्स इन द सेम पोर्शन, जो इंक्रीज इन आउटपुट होता है डैट इज़ कॉल्ड रिटर्न टू स्केल। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है डैट डिपेंड्स ऑन द लेबर एंड कैपिटल, डैट इज़ द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, डैट इज़ ए डिपेंडेंट फंक्शन, आउटपुट डिपेंड्स ऑन द लेबर एंड कैपिटल। और अगर हम दोनों लेबर और कैपिटल को सेम मात्रा, ए पोर्शन के साथ लेबर को और ए पोर्शन के साथ कैपिटल को इंक्रीज़ करते हैं, और जो हमारा आउटपुट के अंदर इंक्रीज़ होता है वो अगर हमारी जो फैक्टर्स के अंदर जो हमने चेंजेस किए हैं उससे ज़्यादा है, तो डैट इज़ कॉल्ड इंक्रीजिंग टर्न टू स्केल। अगर हमने इनपुट्स को चेंज किया है 10% से, बट जो आउटपुट है उसके अंदर इंक्रीज़ हुई है 15% या 20% से, तो हम उसको कह देते हैं इंक्रीजिंग टर्न टू स्केल। और उसी तरह क्या है कि देखो, अगर हमने इनपुट को चेंज किया है Q1/Q से, और वहाँ पर अगर जो इनपुट्स के अंदर चेंजेस है वो 10% है और आउटपुट भी 10% से इंक्रीज होता है, तो वो कांस्टेंट टर्न टू स्केल है। और अगर क्या है कि इनपुट्स के अंदर हमने चेंजेस की हैं 10% लेकिन आउटपुट हमारा 8% है, तो यहाँ पे उसको हम डिमिनिशिंग टर्न टू स्केल कह देते हैं। अब हम इसको जो है टेबल के द्वारा जो है अंडरस्टैंड करेंगे। तो देखो, यहाँ पे क्या है कि जो रेशियो है फिक्स तो यहाँ पे होता ही नहीं है, जो कैपिटल और लेबर के अंदर जो रेशियो है 2:1 है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि रेशियो हमारा 2:1 ही होना चाहिए। तो अगर हमने कैपिटल को डबल किया है तो लेबर को भी डबल किया है, तो यहाँ पे भी देखो रेशियो 2:1 है, तो यहाँ पे भी रेशियो जो है 2:1 है। तो इस तरह से हमने लेबर और कैपिटल को इन्हांस किया है। तो अब हम देखते हैं कि लेबर और कैपिटल के अंदर जो है किस तरह की चेंजेस आई है, कितने प्रतिशत चेंजेस आई हैं। तो ये हमारा आउटपुट के अंदर चेंजेस हैं 10:30, 30:60, 60:80, 80:100, 100:110। तो यहाँ पे आउटपुट के अंदर हम चेंजेस इस तरह से मेयर करते हैं
जैसे पहले 10 एंड 30 है, तो यहाँ पे देखो जो चेंज हुई है 20 चेंज हुई है डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, तो ये आ जाती है 200%। और जो दूसरी है देखो 30 से 60 हो गई है, तो वहाँ पे क्या है कि चेंज है 30, ओरिजिनल है 30, तो यहाँ पे 100। उसी तरह 60 से 80 हो गई है, तो 20 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100। तो इस तरह से क्या है कि हमने इंक्रीज इन टोटल आउटपुट जो है निकाल लेना है। और उसी तरह यहाँ पे जो यूनिट्स ऑफ लेबर के अंदर मैंने चेंजेस किए हैं, क्योंकि वो सेम चेंजेस कैपिटल के अंदर भी सेम रेशियो से होगी, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लेबर को 1 से डबल किया है तो 1/1 इंटू 100। जब हमने 2 से 3 किया है तो 1/1, क्योंकि चेंज हुई है 1/2 इंटू 150%। उसी तरह ये 1 से 3 से 4 हो गया तो 1/3 इंटू 133। तो इस तरह से क्या है कि हमने परसेंटेज इंक्रीज इन लेबर एंड कैपिटल निकाल लेनी है। तो अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमारी परसेंटेज इंक्रीज जैसे 100% चेंजेस है लेबर और कैपिटल के अंदर, आउटपुट है 200, फिर 50 है तो यहाँ पे है 100, तो ये जो है हमारी इंक्रीजिंग टर्न टू स्केल है। और उसी तरह बाद में क्या है कि 33 एंड 25% है, तो ये हमारे क्या है कि आउटपुट भी उतने ही बढ़ता है, तो ये कांस्टेंट है। उसके बाद है कि लेबर और कैपिटल में जो चेंजेस है 20% है, 16% है, 14% है, बट यहाँ पे जो टोटल आउटपुट है वो 10 एंड 9 एंड 4 से इंक्रीज हुआ है, तो ये डिमिनिशिंग टर्न टू स्केल है। तो अब हम इसको ग्राफिकली जो है इस तरह से आपने इस टेबल को एक्सप्लेन भी करना है। अब उसी तरह हम स्टेजेस ऑफ रिटर्न टू स्केल जो है, हमें पता है कि ये 3 स्टेजेस हैं, एक इंक्रीजिंग टर्न टू स्केल है और एक क्या है कांस्टेंट टर्न टू स्केल है। और उसी तरह देखो जो इंक्रीजिंग टर्न टू स्केल होती है कि जो फैक्टर इनपुट्स के अंदर चेंजेस होती हैं 10% है, लेकिन जो आउटपुट के अंदर चेंजेस होती हैं वो उससे ज़्यादा होती हैं। व्हेन ए गिवन परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल फैक्टर इनपुट कॉजेज प्रोपोर्शनेटली मोर इंक्रीज इन आउटपुट, तो हम उसको कहते हैं इंक्रीजिंग टर्न टू स्केल। तो इस तरह से हम इसको ग्राफिकली जो है शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है कि हमने इस तरह से देखो ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे हम इंक्रीज इन लेबर एंड कैपिटल लेते हैं और यहाँ पे हम इंक्रीज इन आउटपुट लेते हैं, तो मान लो ये 5:5 है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि हम इतनी चेंजेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारा आउटपुट जो है हम चेंजेस जो है करते हैं बेसिकली जो है 5 से 15 करते हैं, लेकिन जो आउटपुट में चेंजेस आती हैं वो जो है 25% से चेंजेस आती हैं। तो नेचुरली यहाँ पे क्योंकि हमने 10% चेंजेस की हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो 15% से, क्योंकि यहाँ पे ये 10 है और ये 25 है, तो 10 से 25 का जो डिफरेंस है डेट इज़ 15%, और यहाँ से ये जो डिफरेंस है 10% है। तो हमने इनपुट्स के अंदर चेंजेस की हैं 10%, लेकिन हमारा आउटपुट जो है 15% से इंक्रीज हुआ है, तो हम इसको कहते हैं कि ये जो स्टेज है डेट इज़ द इंक्रीजिंग टर्न टू स्केल। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट आर दी रीज़न कि इंक्रीजिंग टर्न टू स्केल क्यों उत्पन्न होता है। देखो वन स्केल ऑफ ऑपरेशन जब हम इंक्रीज़ करते हैं तो शुरू के अंदर क्या होता है कि जो इंडिविजिबल फैक्टर है, देखो कई बार हम बाज़ार के अंदर जो है मशीनरी लेने जाते हैं, जैसे हमारी डिमांड 100 की है लेकिन मशीनरी जो है 200 यूनिट्स बनाने वाली अवेलेबल है, उससे छोटी अवेलेबल ही नहीं है, तो हमें वही मशीन परचेज करनी पड़ेगी। तो उसी तरह जैसे लेबर है तो उसको हम पार्ट्स में नहीं ले सकते, टूल्स को पार्ट्स में नहीं ले सकते, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फैक्टर्स होते हैं वो इंडिविजिबल होते हैं, उनको हमें पूरा का पूरा लेना पड़ता है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि शुरू में जब हम उसको यूज़ करते हैं इंक्रीज़ करते हैं तो उनकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होती है, हमें बहुत तरह की इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज अवेलेबल होती हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जब हम चेंज करते हैं तो आउटपुट के अंदर जो चेंजेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। ये जो इकोनॉमीज इंटरनल इकोनॉमी जैसे हमने इंडिविजिबल फैक्टर जो है उसको यूज़ कर रहे हैं तो शुरू में उसकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होती है, तो जिसकी वजह से हमें इंटरनल इकोनॉमीज होती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो आउटपुट होता है इनपुट के अंदर जो चेंजेस होती हैं उससे ज़्यादा होते हैं। और उसी तरह हम दूसरा देखते हैं कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल, इसके अंदर क्या होता है कि जितने प्रतिशत से हमने इनपुट के अंदर चेंजेस की होती हैं उतने प्रतिशत से आउटपुट के अंदर चेंजेस आती हैं। अगर 10% इंक्रीज इन ऑल इनपुट किया है तो वहाँ पे आउटपुट के अंदर भी जो चेंजेस हैं 10% है, तो दिस इज़ कॉल्ड कॉन्स्टेंट टर्न टू स्केल। तो उसी तरह यहाँ पे हम इसको ग्राफिकली भी क्या है कि देखो ये जो है अगर यहाँ पे 5% है तो यहाँ पे भी 5% है, और अगर 10%
चेंजेस हैं तो यहाँ पे भी 10% के चेंजेस हैं, यहाँ पे भी ओवरऑल 5% चेंजेस हैं तो यहाँ पे भी ओवरऑल 5% चेंजेस हैं। तो यहाँ पे रेशो ऑफ चेंज इन आउटपुट जो है डैट इज़ इक्वल टू चेंज इन इनपुट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कॉजेज ऑफ रिटर्न टू स्केल होता है कि जब हम एक सर्टन लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे पहुँचते हैं तो जितनी इकोनॉमीज होती हैं उतनी ही डिस इकोनॉमीज हो जाती हैं, वो अपने आप को एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि कॉन्स्टेंट टर्न टू स्केल जो है उत्पन्न होता है। और उसी तरह हम थर्ड जो स्टेज है डैट इज़ द डिमिनिशिंग टर्न टू स्केल, इसके अंदर क्या होता है कि अगर हम फैक्ट्री इनपुट्स के अंदर चेंजेस करते हैं 10% लेकिन आउटपुट जो इंक्रीज होता है 8% है, तो जितनी इनपुट्स के अंदर चेंजेस की है उससे कम चेंजेस जो है आउटपुट में हुई है तो इसको हम डिमिनिशिंग टर्न टू स्केल कह देते हैं। तो इसको हम इस तरह से डायग्राम के अंदर जो है डिपिक्ट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है कि हमने चेंजेस की है 5%, ठीक है, इनपुट्स के अंदर, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारी जो आउटपुट के अंदर चेंजेस हुई है 3%, इनपुट के अंदर 5% और यहाँ पे 5 से हमने 10 किया है, तो यहाँ पे आउटपुट बढ़ा है 5% से 8%। तो ये डिमिनिशिंग टर्न टू स्केल है। तो इसके भी हम लॉजिक देखते हैं कि क्यों ये जो है डिमिनिशिंग टर्न टू स्केल क्यों उत्पन्न होता है। देखो जो मेन कॉज होता है, क्योंकि इसके अंदर जो डिस इकोनॉमीज हैं, देखो जब हम एक स्केल पे अपने काम को लेके जाते हैं तो हमें बचते भी प्राप्त होते हैं, नुकसान भी होते हैं, तो यहाँ पे डिस इकोनॉमीज ज़्यादा होती हैं, इकोनॉमीज कम होती हैं, क्योंकि इनडिविजिबल फैक्टर जो होते हैं जब हम उसके ऑप्टिमम लेवल तक पहुँच जाते हैं उसके बाद भी काम करते हैं तो वो इनएफिशिएंट हो जाता है, और जो बिज़नेस बढ़ जाता है तो उसको कंट्रोल करना कोऑर्डिनेट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेबर की डिमांड बढ़ जाती है, रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि डिस इकोनॉमीज जो होते हैं इन इकोनॉमी से ज़्यादा होती हैं। तो जिस रेशो के अंदर हम इनपुट को चेंज करते हैं उस रेशो के हिसाब से हमारा आउटपुट जो है इंक्रीज़ नहीं होता, उससे कम में इंक्रीज़ होता है। और उसी के साथ ही हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रिटर्न टू फैक्टर एंड रिटर्न टू स्केल। देखो रिटर्न टू फैक्टर जो है ये शॉर्ट रन फिनोमेना है, जिसके अंदर क्या होता है कि फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, प्रोडक्शन को इन्हांस करना है तो हमें वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करना पड़ता है। लेकिन रिटर्न टू स्केल जो होता है लॉन्ग रन फिनोमेना है, जिसके अंदर सारे जो फैक्टर्स होते हैं वेरिएबल होते हैं, उनको हम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी को रिटर्न टू फैक्टर के अंदर हम कॉन्स्टेंट मानते हैं, रिटर्न टू स्केल के अंदर टेक्नोलॉजी भी हमारी चेंज हो सकती है।